हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक है इंग्लिश का, वो हमारे UPPCL और अलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन दोनों के पर्पस से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी दो पार्ट वन और पार्ट टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर जो है अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। और ये हमारा तीसरा पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, पार्ट थ्री। और अगर इन तीनों पार्टों को आप देख लेते हैं तो आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर किसी और बुक या कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैंने सारा सफिशिएंट मटेरियल दे रखा है। और मैं इसका जो है लिंक आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा दोस्तों, वहां से भी जाके आप पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं। और पार्ट टू चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या निकल कर आता है। रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, तो इसका मतलब देखिए कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि पिता के साथ पुत्र के संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक शब्द, यानी कि इसको बोलते हैं पैट्रिनियल, पैट्रिलिनियल। क्या बोलते हैं इसको? पैट्रिनिलियल। पिता के साथ पुत्र के संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक शब्द। नेक्स्ट हमारा निकल कर आता है दोस्तों, नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, रिबेलियंस अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। तो ये हमारा क्या निकल कर आता है दोस्तों, रिबेलियंस अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, इसका मतलब होता है कि कानूनी रूप से वैध सत्ता के विरुद्ध किया गया विद्रोह। मतलब रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी मतलब कानूनी रूप से वैध सत्ता के विरुद्ध किया गया विद्रोह, तो इसको हम बोलते हैं म्यूनिटी, मतलब कि विद्रोह, म्यूनिटी मतलब कि विद्रोह। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा है नेक्स्ट, रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जब किसी कैदी को जेल से रिहा कर जाता है कुछ कंडीशंस और शर्त के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको, उसके लिए एक शब्द आता है हमारा निकल कर पैरोल, इसका मतलब होता है कारावकाश। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ये है, इसको देख लेते हैं, रिप्रोड्यूसिंग आर मेमोराइज वर्ड ऑफ वर्ड, तो इसके लिए हमारा शब्द निकल कर आता है वर्बेटिम, इसका मतलब होता है वर्बेटिम, इसका मतलब होता है शब्दशः। दोस्तों, अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है अगर इंग्लिश की, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ये निकल कर आ रहा है, क्या है? सबमिशन टू ऑल दैट हैपन एज इनविटेबल। देखिए इसमें, देखिए क्या इसका सेंस, देखिए इसको पढ़कर हम एक सेंस निकाल सकते हैं कि सबमिशन टू ऑल दैट हैपन्स एज इनविटेबल, मतलब कि जब हम कुछ भी करते हैं, कोई काम की शुरुआत करते हैं या कुछ शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसा कि जिससे हमें अच्छा ही सब कुछ मिलता चला जाता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होता चला जाता है, तो इसके लिए हमारा क्या निकल कर आता है? फैटलिज्म। क्या निकल कर आता है? फैटलिज्म, मतलब कि भाग्यवादी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा ये है दोस्तों, तो हमारा क्या है? समवन हु इज डिजाइनेटेड टू हर टू हियर बोथ साइड ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट, तो इसका मतलब निकल कर ये आता है कि कोई ऐसा जो दोनों साइड में जो डिस्प्यूट होता है, उन दोनों साइडों या दोनों पक्षों को सुनता है और फिर कोई जजमेंट देता है या डिसीजन देता है, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब कि आर्बिट्रेटर मतलब कि मध्यस्थ। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर मतलब कि मध्यस्थ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, समथिंग दैट माइट फ्यूचर इन द दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में कुछ घटित होने की संभावना, तो इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी या अनिश्चय या संभाव्यता। आप देख सकते हैं अनिश्चय या संभाव्यता। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट हमारा है स्टडी ऑफ केव्स, क्या है?
स्टडी ऑफ केव्स। तो स्टडी ऑफ केव्स का मतलब दोस्तों होता है कि गुफाओं का अध्ययन। तो इसको हम बोलते हैं स्पेलियोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी का मतलब गुफाओं का अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? गुफाओं का अध्ययन। ये हमारा बन के आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुटेबल फॉर एवरी डे कंजर्वेशन। सुटेबल फॉर एवरी डे कंजर्वेशन, तो इसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा अथवा शैली। सुटेबल फॉर एवरी डे कंजर्वेशन मतलब आम बोलचाल की भाषा अथवा शैली। इसका मतलब क्या निकल करता है? आम बोलचाल की भाषा अथवा शैली। तो इसको हम बोलते हैं कोलोकियल। कोलोकियल मतलब आम बोलचाल या बोलचाल का की भाषा, आप जो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड। देखिए दोस्तों यहाँ पर GOD मैंने टाइप कर दिया है, यहाँ पर GOD यानी गॉड, ईश्वर वाला गॉड होगा यहाँ पर। एक बार कन्वर्ट कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए, जो गॉड मैंने टाइप किया है ये GOD होगा यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? मतलब ईश्वर की प्रकृति का अध्ययन करना, अध्ययन। तो इसको हम बोलते हैं थियोलॉजी। क्या बोलते हैं? थियोलॉजी मतलब कि धर्मशास्त्र। थियोलॉजी मतलब कि धर्मशास्त्र। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द केज ऑफ रिलीजन आर फेथ। देखिए समवन हु किल्ड फाइटिंग फॉर द केज ऑफ रिलीजन आर फेथ, ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी धार्मिक अथवा राजनीतिक आस्था के कारण मार दिया जाता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसे उसके धार्मिक अथवा राजनीतिक आस्था के कारण मार दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्टियर। मार्टियर मतलब शहीद। मार्टियर मतलब शहीद। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, देखिए क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये हमारा निकल कर आ रहा है क्या? सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, तो इसका मतलब होता है कैवलरी। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक मतलब कि ऐसे सिपाही जो मतलब फाइट करते हैं घोड़े पे बैठ के या घोड़े की पीठ पे बैठ के, तो उनको हम कहते हैं कैवलरी। कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार। क्या होता है? घुड़सवार। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है दोस्तों स्टीलिंग गुड्स। ये देख लेते हैं स्टीलिंग गुड्स। स्टीलिंग गुड्स व्हाइल शॉपिंग मतलब शॉपिंग के दौरान वस्तुओं की चोरी करना, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग मतलब कि दुकान से की गई चोरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा समथिंग दैट आकर्स इररेगुलरली। समथिंग दैट आकर्स इररेगुलरली मतलब कि जो अनियमित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी कोई चीज़ जो अनियमित होती है तो उसको हम बोलते हैं स्पोरैडिक, मतलब अनियमित अंतरालों में होने वाला। इसको बोलते हैं स्पोरैडिक मतलब अनियमित अंतरालों में होने वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा समवन हु इज इनडिफरेंट एंड इज केयरलेस। समवन हु इज इनडिफरेंट एंड इज केयरलेस, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति। इसका मतलब क्या निकल कर आता है दोस्तों? इसका मतलब निकल कर आता है ऐसा व्यक्ति जो उदासीन एवं लापरवाह होता है। समवन हु इज इनडिफरेंट एंड इज केयरलेस मतलब ऐसा व्यक्ति सो उदासीन और लापरवाह होता है, तो उसको बोलते हैं परफंक्टरी। उसको बोलते हैं परफंक्टरी। क्या बोलते हैं? परफंक्टरी मतलब लापरवाह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लीगल पनिशमेंट मतलब ऐसी कोई अदरी जो प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट्स की जो प्रॉब्लम है, और प्रिजन मैनेजमेंट मतलब जो जेल मैनेजमेंट है, तो उसकी स्टडी को हम क्या मतलब सजा का जो प्रावधान होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं पेनोलॉजी मतलब कि दंड विज्ञान। पेनोलॉजी मतलब कि दंड विज्ञान। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों है हमारा शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों एक सिगरेट का थोड़ा बचा हुआ भाग, एक सिगरेट का थोड़ा बचा हुआ भाग, तो उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्टब मतलब कि सिगरेट पेंसिल आदि का बहुत अंतिम बहुत छोटा अंश। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मतलब कीटों की जो स्टडी होती है, कीट स्टडी। कीटों की स्टडी क्या होती है? तो इसको बोलते हैं इटमोलॉजी
एंटोमोलॉजी, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, मतलब कि कीट विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अब चलिए टी से स्टार्ट है, टी की देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ डिलेइंग, मतलब द आर्ट ऑफ डिलेइंग, मतलब देखिए आर्ट ऑफ डिलेइंग का मतलब निकल कर आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि टाल मटोल करने की आदत। अब डिलेइंग मतलब कि ऐसे इंसान के अंदर भी एक क्वालिटी होती है, एक आर्ट होती है, कि कुछ लोग होते हैं ना कि किसी काम को टालते रहते हैं बार बार, और लोग उन पर टस्ट भी करते रहते हैं, तो वो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ डिलेइंग, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि टाल मटोल करने की आदत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रेजिसाइड। क्या बोलते हैं? रेजिसाइड मतलब कि राजहंता, मतलब कि राजा की हत्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। थिंग दैट कैन बी फेल्ट आर टच्ड, ऐसी वस्तुएं जिनको फील या टच किया जा सकता है, तो उनको हम बोलते हैं दोस्तों पाल्पेबल, मतलब पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब स्पर्शनीय, मतलब कि स्पर्शनीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, इसका मतलब होता है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चुनाव प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चुनाव प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको बोलते हैं सेफोलॉजी, मतलब कि चुनाव विश्लेषण। क्या बोलते हैं? सेफोलॉजी मतलब कि चुनाव विश्लेषण। ठीक है, अगला देख लेते हैं। That which cannot be effaced, that which cannot be effaced, मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, तो उसको हम बोलते हैं indelible, मतलब अमिट, अब दे deletes मतलब मिटाना, तो indelible मतलब अमिट। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब इन लग जाता है तो वो negative sense में कोई चीज़ चली जाती है, तो indelible मतलब कि अमिट। फिर नेक्स्ट है, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, तो डाई विदाउट मेकिंग अ विल, इसका मतलब दोस्तों होता है, इसका मतलब होता है बिना वसीयत किए ही, अथवा वसीयत करने से पूर्व किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। इसका मतलब होता है कि बिना वसीयत किए ही अथवा वसीयत से पूर्व ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, तो इसको बोलते हैं इंटेस्टेट, मतलब कि निर्वसीयत। क्या बोलते हैं? निर्वसीयत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा टू सिक्योर, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हैं। To secure a boat by attending it to an anchor, मतलब कि इसका मतलब निकल कर आता है हमारे सामने, नाव की सुरक्षा हेतु इसे बांधना। देखिए जब हम नाव की सुरक्षा के लिए उसको बांध देते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मूर या लंगर डालना। क्या बोलते हैं? मूर या लंगर डालना। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है दैट विच कैन बी ड्रंक, जो पिया जा सकता है, ड्रंक किया जा सकता है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल, मतलब कि पेय। ठीक, अगला देख लेते हैं। द पुलिस ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब कि द पुलिस ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों देश का प्रभाव में उसके साम्राज्य की विस्तारवादी नीति। सॉरी, द पुलिस बोल रहा हूँ बार बार मैं, पॉलिसी होगा। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, तो इसका मतलब होगा, मतलब कि इसका हिंदी निकल कर आता है देश का प्रभाव में उसके साम्राज्य की विस्तारवादी नीति, तो इसको हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। क्या बोलते हैं? इम्पीरियलिज्म मतलब कि साम्राज्यवाद। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है दैट विच कैन नॉट बी कॉल बैक, जिसे दोबारा मतलब परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल बैक, मतलब कि कॉल बैक का मतलब जिसे दोबारा परिवर्तित नहीं किया जाता, तो उसको हम बोल सकते हैं इरिवोकेबल, मतलब कि अपरिवर्तनीय, इरिवोकेबल मतलब कि अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट देख लेते हैं। दैट कैन नॉट बी ओवरकम, मतलब दैट कैन नॉट बी ओवरकम, मतलब जिस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, तो उसको हम बोल सकते हैं इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल मतलब होता है नियंत्रण ना पाना। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। अगला है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिशेस, मतलब आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिशेस, तो इसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी, मतलब चर्म प्रसाधन। क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी मतलब चर्म प्रसाधन। देखिए डर्मा, इसमें डर्मी यूज किया गया, और देखिए डर्म जहाँ पर वर्ड यूज होता है डर्मा या डर्मी या डर्म, तो उसका मतलब कुछ स्किन से निकल कर आता है, तो यहाँ पर टैक्सीडर्मी मतलब होता है चर्म, चर्म प्रसाधन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला।
नेक्स्ट है, दोज हु गो ऑन टू समवन एल्स लैंड विदाउट द ऑनर्स परमिशन, मतलब दोज हु गोज टू समवन एल्स लैंड विदाउट ऑनर्स परमिशन, मतलब कि वो जो किसी दूसरे की भूमि में चले जाते हैं बिना परमिशन के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेस पैसेंजर्स, क्या बोलते हैं, ट्रेस पैसेंजर्स, मतलब कि अनधिकार प्रवेश करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, दैट विच विदाउट अपोजिशन, देखिए इसमें कहीं मैंने मिस्टेक किया है दोस्तों, इसमें आप ये कह सकते हैं कि दैट इलेक्टेड विदाउट अपोजिशन, दैट विच इज़ विदाउट अपोजिशन, यही होगा शायद, तो दैट विच इज़ विदाउट अपोजिशन मतलब ऐसा जो बिना अपोजिशन के विरोध के हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनैनिमस, मतलब कि सर्वसम्मति, क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति, ठीक है। फिर है टू सेक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउड, टू सेक्रेटली स्टोर व्हाट इज़ अलाउड, तो इसको बोलते हैं होर्ड, मतलब निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में किसी वस्तु जखीरा बनाना, जमाखोरी दंडनीय है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं टू मतलब कि इसको बोल सकते हैं निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में किसी वस्तु का जखीरा बनाना, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, अगला है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, स्ट्रगल करना मतलब फ्लाउंडर मतलब की हो जाता है दोस्तों, फ्लाउंडर मतलब होता है छटपटाना। नेक्स्ट होता है टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, इसको बोलते हैं कोरोबोरेट, मतलब होता है किसी कथन को साक्ष्य सारा सिद्ध करना, मतलब टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब साक्ष्य के साथ किसी चीज़ को कन्फर्म करना या प्रूफ करना, तो मतलब क्या होता है कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी कथन को साक्ष्य द्वारा, छारा लिख दिया दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसमें होगा साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना, ठीक है। अगला देखते हैं टू एग्री टू समथिंग, इसका मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। तो एग्री तो किसी चीज़ के लिए, एग्री होना मतलब कि सहमत होना, तो इसको बोलते हैं असेंट, मतलब आत्मनिरीक्षण या आत्मावलोकन। देखिए यहाँ पर मैंने एक गलत टाइप कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर आत्मनिरीक्षण नहीं होगा, यहाँ पर होगा सहमत होना, क्या होगा यहाँ पर असेंट का मतलब होगा यहाँ पर सहमत होना, ये हमने गलत लिख दिया दोस्तों, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर असेंट मतलब सहमत होना, टू एग्री टू समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए सहमत होना, मतलब असेंट मतलब होता है सहमत होना, यहाँ पर टाइपिंग गलत है, यहाँ पर आप असेंट कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लीजिएगा, एरर फ्री कर लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं टेकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेट थिंग्स, मतलब कि ईश्वर अथवा सेक्रेट मीन्स क्या होता है, पवित्र होता है दोस्तों, तो टेकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेट थिंग्स मतलब किसका निकल कर आएगा, ईश्वर अथवा पवित्र वस्तुओं के बारे में अपमानजनक बातें करना, तो इसका हम बोलते हैं ब्लेसफेमी, क्या बोलते हैं ब्लेसफेमी, मतलब ब्लेस मतलब ब्लेम से बनाया, तो ब्लेसफेमी मतलब ईशनिंदा, क्या होते हैं ईशनिंदा, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, आप नेक्स्ट देख लेते हैं अनवेलकम एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, इसमें क्या अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों कि अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, इसका सेंस ये निकल कर रहा था कि अनवेलकम जो सिचुएशंस होती हैं किसी एस्पेक्ट की, जो अनवेलकम एस्पेक्ट होते हैं किसी सिचुएशंस के, तो उसको हम बोलते हैं फ्लिप साइड, मतलब कि दूसरा पहलू, क्या बोलते हैं फ्लिप साइड। फिर नेक्स्ट है वेरी ड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय टाइप का इंसान, तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक, मतलब नाटकीय, क्या बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक मतलब नाटकीय। नेक्स्ट आता है हमारा वाइड स्पेस सेक्रेसिटी ऑफ फूड, दूसरा क्या निकल कर आता है वाइड स्प्रेड सेक्रेसिटी ऑफ फूड, मतलब कि भोजन की विस्तृत रूप में कमी, तो इसको बोलते हैं फैमीन, इसको क्या बोलते हैं फैमीन मतलब अकाल, तो देखिए जब वाइड स्प्रेड सेक्रेसिटी बोल रहा हूँ मैं बार बार
वायरस पर स्कैसिटी या फूड, स्कैसिटी मीन्स होता है कमी। तो देखिए वायरस पर बहुत ज़्यादा जब भुखमरी फैली हो या फूड की कमी फैली हुई हो, बहुत ही कम फूड हो, तो उसको बोलते हैं फेमाइन, मतलब अकाल। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आज आपको सारा तीनों पार्ट फिनिश कर दिए हैं। तो दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है तीन पार्ट में मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है, और अगर आप हमारी ये तीनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपको किसी बुक या कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कलेक्ट किए हैं, जो कि हमारे ऑलरेडी 1999 से 2016 तक के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे SSC में पूछे गए वो सारे लगभग मैंने इसमें कवर किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, और इसको शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट ले सकें, और हमें कमेंट बॉक्स में या हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि अगर मैं सोच रहा हूँ आपको पूरे टोटल जो सिनोनिम्स हैं जो 1999 से 2016 तक के जितने भी आए हुए हैं, तो उन पर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो उन पर भी बना देता हूँ, 2-3 पार्टों में उसको भी, उस टॉपिक को भी फिनिश कर देता हूँ। तो उस पर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको वो भी वीडियो एग्ज़ाम से पहले ही पहले आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं और आप उसको देखकर लर्न कर सकें। तो दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।